Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. HCI ke lecture 21 ke saath aaj hum jo baat karenge wo communication and collaboration models pe baat karenge. What are they? So uska introduction denge, face to face communication ki baat karenge, conversation ki baat karenge, grounding ki baat karenge, phir text based communication ki baat karenge aur group working ke upar discuss karenge. Overview. All computer systems, single user or multi user, interact with the work groups and organization in which they are used. So jitne bhi computer systems hain, chahe wo ek user ke saath kaam kar rahe ho, chahe multiple user ke saath kar rahe ho, wo usko jo hai wo apne work group ke saath interaction karni hai. Aur wo chahe ek user ho, chahe multiple user ho, aur obviously डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ हो रहा है, उसी के लिहाज से उसको अपनी इंटरेक्शन करनी होगी. नीड टू अंडरस्टैंड नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन कम्युनिकेशन. अब जब कंप्यूटर और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को हम लेके चलेंगे, सो उससे पहले हमें थोड़ा सा ह्यूमन टू ह्यूमन जो कम्युनिकेशन होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. अब जो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा होती है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है. उसमें आईज इन्वॉल्व होती हैं, फेस इन्वॉल्व होता है और बॉडी जेस्चर्स सारे इन्वॉल्व होते हैं. और कन्वर्जेशन कैन बी एनालाइज टू एस्टेब्लिश इट्स डिटेल स्ट्रक्चर. और फिर उस कन्वर्जेशन को जो है वो एनालाइज किया जा सकता है ताकि उसका डिटेल में देख सकें कि क्या कन्वर्जेशन हुई है, किस हवाले से हुई है और क्या क्या चीज़ें उसमें हो गई हैं. अब सिमिलरली दिस कैन देन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्जेशन. अब इसी तरह से जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्जेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. रिड्यूस फीडबैक फॉर कन्फर्मेशन. जब आप टेक्स्ट में दे रहे हैं तो आपके पास बड़ा मुश्किल से कोई जो है ना उसका जवाब देता है जो कि फीडबैक की फॉर्म में होता है कि ओके उसको टेक्स्ट मिल गया या नहीं मिला. ये बहुत बहुत मुश्किल से कंफर्म किया जाता है. इवन ईमेल्स वगैरह में भी बहुत कम है. जबकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली ये बिल्कुल सामने की बात होती है. आपको पता है कि जो आप बात कर रहे हैं उस वो अगर आपको सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, तो यू कैन ऑलवेज सी एंड एनालाइज के हाँ ये हो रहा है. अब लेस कॉन्टेक्स्ट टू डिसएम्बिगुएट एक्सप्रेशन. टेक्स्ट का जो क्योंकि आपने फॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है तो उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है डिसएम्बिगुएशन का एक्सप्रेशन में वो बहुत कम हो जाता है. ठीक है. और ऑब्वियसली इट हैज स्लोअर पेस ऑफ इंटरेक्शन. वो स्लो पेस के साथ चलता है. बट इट इज इजीली रिव्यूड. एडवांटेज ये है कि वो बहुत आराम से रिव्यू हो जाता है. सो ऑब्वियसली यू विन सम एंड यू लूज सम. कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. ग्रुप वर्किंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ अ सिंगल पर्सन. अगर सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन हो रही है फेस टू फेस तो वो बहुत आसान हो जाती है. ग्रुप में जरा सी और डिफिकल्ट हो जाती है. सबसे पहले तो ग्रुप जो है इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल इन्वायरमेंट में. वो किस इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. उस पर इन्फ्लुएंस कर जाता है. एक्सपेरिमेंट्स आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड रिकॉर्ड. अब जब अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं इसके उसको देखना चाह रहे हैं कि एनालाइज करने के लिए कि क्या किस तरीके से ग्रुप ने बिहेव किया, तो वो ज़रा उनको डिफ़िकल्ट होता है कि आप कंट्रोल करें और फिर उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करें. क्योंकि कितने कैमरेज लगाएंगे, किस तरीके से आप उसको देखेंगे कि एक कोई जवाब दे रहा है, कोई कोई जवाब दे रहा है. सो दीज आर द प्रैक्टिकल हिकअप्स जब हम ग्रुप वर्किंग को देख रहे होते हैं. फील्ड स्टडीज मस्ट टेक इन टू अकाउंट द सोशल सिचुएशन. और अगर आप फील्ड में जाके ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं, कोई आपने लेट सपोज के एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, उसको लेकर चलना चाह रहे हैं, उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो अब आपको वहाँ पे सोशल जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के सोशल सिचुएशन को भी देखना होगा. हेल्थ केयर का अगर आपने लेट सपोज के कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया है तो आपने लेडी हेल्थ वर्कर ने जहाँ जाके काम करना है उस रिकॉर्ड को देखने की सख्त ज़रूरत है. तो वो जो वहाँ जहाँ जिस सिचुएशन में वो जाएंगी उस सिचुएशन पे फिर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट क्या है, कल्चरल
bound limitations kya hain aur similarly so on so forth other jo hindrances hain unko bhi aapko cater karna padega. Ab social natures of humans kya hain? Humans are inherently social creatures. जो ह्यूमंस हैं इंसान हैं उनको ये कहा जाता है कि वो सोशल क्रिएचर्स हैं बल्कि इंग्लिश में तो इसका लफ्ज़ लिया जाता है कि दे आर सोशल एनिमल्स. सो उनको दे हैव टू लिव टुगेदर, वर्क टुगेदर, लर्न टुगेदर, प्ले टुगेदर. सो उनको जो कुछ भी काम करना होता है वो साथ साथ करना होता है. आइसोलेशन में ह्यूमन नहीं रह सकता, काम नहीं कर सकता. इसीलिए जब कुछ सजाएं दी जाती हैं जेल में और क्रिमिनल्स को जो ख़ास तौर पे बहुत ही ख़तरनाक होते हैं तो उनको जो सबसे बड़ी सज़ा दी जाती है सॉलिटायर की, यानी वो अकेले कोठरी में रहेंगे. ये उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है कि वो अकेले कोठरी में रहें, काल कोठरी जिसको कहते हैं. देयरफॉर वी नीड टू डेवलप इंटरेक्टिव सिस्टम्स दैट सपोर्ट एंड एक्सटेंड दीज काइंड ऑफ सोशल इंट्रैक्शन. क्योंकि उसने सोशल क्रिएचर है, उसके साथ रहना है, तो हमें ऑब्वियसली जो इंटरेक्टिव सिस्टम जो बनाने हैं उनको भी ये देखना है कि वो सपोर्ट करें और एक्सटेंड करें, फैसिलिटेट करें इस तरह के सोशल इंट्रैक्शंस को. और ऑब्वियसली दे शुड ऑल्सो एक्सटेंड सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन को अगर हम देखें, मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सबटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये सबसे इनिशियल फॉर्म है, जाहिर बात है जब दो इंसान आमने सामने आए तो उनकी कोई कम्युनिकेशन होनी थी. सो वो जो पहली अगर हम इसको कुरान से भी लें तो हज़रत आदम और बीबी हवा की जब मुलाकात हुई तो वो उनकी कम्युनिकेशन का स्टार्ट था. सो इन ऑल लिटरल सेंस जो है ये प्रिमिटिव है, पहली बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. ऑफन सीन एज द पैराडाइम फॉर कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन. अब हमने इसको जब कंप्यूटर के हवाले से देखना है तो हम ये कहते हैं कि इसमें कंप्यूटर जो है एक तरह से मीडिएशन कर रहा है कम्युनिकेशन में. चार्ल्स डिकन्स ने बहुत पहले ये लिखा था कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन विल नेवर बी सब्स्टिट्यूट फॉर द फेस ऑफ समवन हु विद देयर सोल इनकरेजेस अनदर पर्सन टू बी ब्रेव एंड ट्रू. सो उसने बड़ी सही बात कही थी कि जितनी भी अब वो ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं आई थी, इलेक्ट्रिक मशीन्स थी या मैकेनिकल मशीन्स थी, तो उसने कहा था कि ये कम्युनिकेशन की जो फॉर्म है ये कभी भी फेस किसी के फेस को रिप्लेस नहीं कर सकेगी, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो फेस जो है उसके वो उसके अंदर जो सोल होती है, उसके अंदर जो रूह होती है, जो एनर्जी होती है, वो जो है दूसरे बंदे को इनकरेज करती है कि वो सच्चा भी रहे, बहादुर भी रहे और वो कर गुजरे कामों को. अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ट्रांसफर इफेक्ट्स क्या होते हैं? कैरी एक्सपेक्टेशंस इनटू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफर इफेक्ट जो है वो एक्सपेक्टेशंस को कैरी कर रही है इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. पीपल आर अडाप्टेबल. पीपल जो हैं वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ ओवर फॉर टर्न टेकिंग वेन यूजिंग अ वॉकी टॉकी. सो जब वॉकी टॉकी पे हमारे यहाँ खासतौर पर सिक्योरिटी के पर्सनल फौजी हजरात जब बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए कि मेरी बात ख़त्म हो गई है वो ओवर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि मैं ठीक हूँ ओवर. तो वो जवाब देता है अच्छा क्या हालात हैं, तो वो कहता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं ओवर. सो वो कहता है क्या हालात हैं ओवर. सो इस तरीके से जब तक वो ओवर नहीं करता जो लिसनर है उसको ये पता है कि इसकी कम्युनिकेशन जारी है. ओवर टेल्स देम कि दिस इज़ द एंड ऑफ दैट साइड ऑफ कम्युनिकेशन, नाउ यू कैन स्टार्ट द कम्युनिकेशन. बट ऑल्सो एक्सपेक्ट दे कैन यूज़ एग्जिस्टिंग नॉर्म्स. अब ओवर जो है वो क्योंकि अंग्रेज़ों ने यूज़ किया है, आपको ये भी एक्सपेक्ट करना है कि वो अपने कल्चर के लिहाज से भी जाहिर बात है जो अरबी है वो अपना करेगा, सिमिलरली जैपनीज़ जो है वो अपनी लैंग्वेज अपने उसमें यूज़ करेगा. हमने टेलीफोन में हेलो को एज इट इज़ यूज़ कर लिया है. हम हेलो की जगह अस्सलामु अलैकुम भी कह सकते हैं, हम स्टार्ट किसी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यूजली वही नॉर्म ले लिए. लेकिन जैपनीज़ में जब वो फ़ोन उठाते हैं तो हेलो नहीं कहते, वो मुशी मुशी कहते हैं. सो इस तरीके से हर लैंग्वेज का अपना अपना कल्चर का अपना
जो नॉर्म है वो यूज़ हो सकती है इस कम्युनिकेशन में भी, ट्रांसफ़र करने में. समटाइम्स विद डिज़ास्टर्स रिजल्ट्स. अब जो इस तरीके से जब हम करते हैं तो कुछ नॉर्म्स भी जब अपने हो जाते हैं तो हमारे और फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बाज़ दफ़ा जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा डिज़ास्ट्रस होता है. द रूल्स ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन आर नॉट कॉन्शियस, सो व्हेन दे आर ब्रोकन वी डो नॉट ऑलवेज रिकग्नाइज द ट्रू प्रॉब्लम. सो जो क्योंकि जो रूल्स हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन के वो कोई कॉन्शियस के साथ नहीं होते, कोई अपनी किसी को भी इंटेंशंस की पता नहीं होती. सो जब वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन ख़त्म होती है तो हमें प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पता चलती कि यार वो बंदा क्यों नाराज़ हो गया है. बहुत सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है. सिमिलरली अगर मैं अपनी बात करके ख़त्म कर दूँ और मैं खुदा हाफिज़ ना करूँ तो ये पता ही नहीं चलेगा कि बात ख़त्म हो गई है मैंने क्या. या सिमिलरली इस तरीके से भी देख लें कि मैं अपनी बात करूँ और फ़ौरन मुड़ जाऊँ बगैर ये जेस्चर दिए हुए कि मैंने बात कर ली है, नाउ द कन्वर्सेशन इज़ ओवर, नाउ यू कैन गो एंड आई एम गोइंग. सो ये जो है डिज़ास्टर्स रिजल्ट बाज़ दफ़ा देते हैं. सो मे इंटरप्रेट फेलियर एज रूडनेस ऑफ कोलीग. अब हम अगर किसी भी रीज़न की वजह से फेलियर हो जाए, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, आपस में बात भी ना करें, तो हम ये लेते हैं कि यार वो बड़ा मगरूर हो गया है. अब जो इम्पॉर्टेंट इसका आस्पेक्ट है कि जैसे पर्सनल स्पेस देना. अब जब वीडियोज़ जो होती हैं वो म्यूचुअल इम्प्रेशन ऑफ जो है का डिस्टेंस जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं. जैसे अगर आप फेस टू फेस सामने सामने खड़े में तो आपको पता है कि यार मैं अगर इशारे कर रहा हूँ तो वो मेरे कितने करीब है, कहीं उसको हाथ तो नहीं लग जाएगा. सो आप एक्चुअली एक आपको भी पता है कि डिस्टेंस कितना है. फिर आप फेस टू फेस में ये भी बात समझ सकते हैं उसके एक्सप्रेशन से कि यार ये डिस्टेंस हमेशा जो है वो एक्चुअली जो फासला है वो नहीं बात हो रही, बल्कि डिस्टेंस की बात ये भी आ रही है कि आपको ये भी पता चल रहा है उसके फेस एक्सप्रेशन से कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये इसको बुरी लग रही है, सो आई शुड स्टॉप हियर. सो ये चीज़ें जो है वीडियो ख़त्म हो जाती है और इसको हम ग्लास वॉल इफेक्ट कहते हैं. ग्लास वॉल इफेक्ट क्या है कि आपके सामने एक आपको सामने तो नज़र आ रहा है लेकिन बीच में एक ग्लास आया हुआ है जो कि उन दोनों के फिज़िकल जो डिस्टेंस है उसके दरमियान एक तरह से बैरियर आ गया है. तो ग्लास वॉल इफेक्ट ये कहते हैं कि नज़र है भी और नज़र भी नहीं आ रहा. Often the glass wall afforded by the video screen makes the precise distance less important, which could have a positive effect during cross-cultural meetings. So cross-cultural meetings में यही effect जो glass wall दे देता है video, खासतौर पर video में, क्योंकि screen आपके सामने है. So वो बाज़ दफ़ा जो है ये positive effect दे देता है. आप बहुत सारी video में वो वाली बातें कर जाते हैं जो आप usually सामने नहीं कर पाते. So इसके positives भी हैं और obviously negatives भी हैं. पर्सनल स्पेस में अब जो आजकल का सिनेरियो है वो अगर कोई फेस टू फेस बात कर रहा है तो शायद वो बंदा जो टेलीफोन पे या मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है वो नाराज़ हो सकता है कि यार मैं बात कर रहा हूँ ये बीच में अपनी गप्पें लड़ा रहे हैं. सो उसको विदाउट रियलाइजिंग कि वो पर्सनल स्पेस पे इन्वेट कर रहा है दूसरों के, ना कि आप कर रहे हो. सो दैट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई कॉन्टैक्ट में टू कन्वे इंटरेस्ट एंड इस्टेब्लिश सोशल प्रेजेंस. अब जब हम आई कॉन्टैक्ट करते हैं और हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो आँखों से हम ये भी दिखाते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं उसके कामों में और फिर एक तरह से अपना सोशल प्रेजेंस भी कर रहे होते हैं. आपने देखा होगा शायद या अब मुशाहिदा कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूँ आँखें ऊपर करके बात कर रहे होते हैं. अब वो या तो अपनी प्रेजेंस नहीं बताना चाह रहे या वो आपकी प्रेजेंस को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, कोई ना कोई एक चीज़ है, या वो ये कन्वे कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है ये बातचीत करने में. अब वीडियो जो है वो ऑब्वियसली ये स्पॉइल कर देती है जो आई कॉन्टैक्ट है. मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा जो नॉर्मल लेक्चर होता है, मैंने कल जो अपनी क्लास को पढ़ाया है लेक्चर, वो आई कॉन्टैक्ट के साथ था. स्टूडेंट्स के हर जेस्चर को समझ रहा था, स्टूडेंट मेरे जेस्चर्स को समझ रहा था. सो ये
इसमें ये स्पॉइल हो जाता है. आई कांट सी योर जेस्चर, यू जस्ट हैव टू सी माई वीडियो, यू कांट सी माई रिएक्शन ऑन योर जेस्चर एज वेल. बट पुअर क्वालिटी वीडियो बेटर देन ऑडियो ओनली. उसके बावजूद वीडियो लेक्चर्स की पुअरेस्ट क्वालिटी भी या वीडियो लेक्चर्स की पुअरेस्ट फॉर्म भी उस वीडियो की खाली ऑडियो लेक्चर से बहुत बेहतर होगी. सो कभी कभी वीडियो की का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपको मुंह की मूवमेंट से ही समझ में आ रहे होते हैं कि अच्छा ये कहा है, एक्सप्रेशन से समझ रहे होते हैं आपके अच्छा ये बात कही होगी. और फिर एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अगर मैं कह रहा हूँ थैंक यू, तो इसका मतलब यह है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपने जो भी दे रहे हैं उसको. और मैं कह रहा हूँ थैंक यू, अब मैं कह रहा हूँ, वर्ड वही है. ऑडियो में जेस्चर के बगैर नहीं समझ में आएगा, लेकिन वीडियो में एक्सप्रेशन एटलीस्ट आ रहा है. सो इस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट फोकस ऑफ द कन्वर्जेशन. सो कॉन्टेक्स्ट में रह के जो है वो जो इस्टेब्लिश करना है कॉन्टेक्स्ट को, वो फोकस ऑफ द कन्वर्जेशन है. तो यहाँ जैसे मेरा कॉन्टेक्स्ट अभी मैंने एक्सप्रेशंस के जरिए दिया है, सो ये इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो प्रोवाइड एटलीस्ट कर रहा है. हमने बात भी कर ली है कि जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मच ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज थ्रू आवर बॉडीज. सो अभी बात की है थैंक यू की और थैंक यू की. सो ये जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जेस्चर्स में ऑब्वियसली आई गेज आ जाता है और यूज़ ऑफ डायरेक्टिक रेफरेंस. डायरेक्टिक का मतलब है डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट ये वाला एक्शंस, या जब मैं हाथ हिला रहा हूँ. सो ये मूवमेंट के जो एक्शंस हैं इनको हम कहते हैं कि जेस्चर जो है वो न सिर्फ आंखों से आते हैं बल्कि फेस और इवन आपकी हाथों की बॉडी की मूवमेंट से भी आते हैं. हेड एंड शोल्डर्स वीडियो लूजेस दिस. अब अगर खाली मेरी ये वाली वीडियो जो आपके पास आ रही है, ये मेरे बाकी जेस्चर अगर मैंने हाथ यहाँ कर लिया है, तो ये अब आपको नज़र नहीं आ रहे मैं क्या कर रहा हूँ. सो जब हम सिर्फ इस पोर्शन को दे रहे होते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो आई का तो गेज रह जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी रह जाते हैं, लेकिन जो पॉइंटिंग जो हाथ और बॉडी की मूवमेंट है वो नहीं आ रही. सो क्लोज फोकस फॉर आई कॉन्टैक्ट और वाइड फोकस फॉर बॉडी लैंग्वेज. सो अब ये एक हमारी डायलेमा बन जाता है कि अगर हमने आई के कॉन्टैक्ट को दिखाना है, तो ऑब्वियसली हमारा फोकस सिर्फ फेस और शोल्डर तक रहना चाहिए, नॉट नेसेसरली कि हम आंखों को फोकस कर लें पूरा. लेकिन अगर हम पूरे जेस्चर दिखाना चाह रहे हैं, तो बॉडी पर फोकस हो जाना चाहिए. यानी ये फोकस इस जगह से हटके थोड़ा सा वाइड हो जाए, ताकि मेरी पूरी बॉडी आ जाए. सो ये डाइकॉटमी है, ये डायलेमा है, जिसको साथ लेके चलना पड़ता है कि क्या करना है. डिपेंड करता है क्या आप दिखाना चाह रहे हैं. अब बैक चैनल्स क्या होते हैं, एक हम कन्वर्जेशन से इसको समझते हैं कि जैसे एलिसन कह रहा है डू यू फैंसी दैट फिल्म द ग्रीन इट स्टार्स एट एट. अब उसने जो कन्वर्जेशन की है, अब ये आपको भी समझ में आ रहा है, इसमें पॉजेज आ रहे हैं, सोच रहा है. और ब्रायन कह रहा है ग्रेट. अब इसमें क्या हुआ कि इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स, ये मैं सिर्फ इन जुमलों पे हम नहीं फोकस कर रहे, हम ये कन्वर्जेशन को देख रहे हैं. बैक चैनल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ब्रायन वन, ब्रायन एट वन एंड टू. सो जो बैक चैनल ने क्या किया कि जो पहला बता रहा है एलिसन जो कर रहा है वो क्विजिकल कर रहा है, थोड़ा सा पजल है कुछ. लेकिन जो ब्रायन ने जवाब दिया उसने अफर्मेटिव, यस ग्रेट वी कैन गो. सो ये एस्पेक्ट आ जाता है. बैक चैनल इंक्लूड नॉड कि आप यूं कर रहे हैं, या थक गए, ग्रिमेसेस, श्रग्स एंड शोल्डर्स. अगर आपको देना है कि मुझे नहीं समझ में आया क्या है, तो आप शोल्डर्स को करते हैं. ग्रंट्स एंड रेज आईब्रोज, तो आपने रेज कर लिया आईब्रोज को गुस्सा दिखाने के लिए और ग्रंट किया, ठीक है ना. अटर बिगन्स वेग देन शार्पन्स अप जस्ट इनफ. सो अटरेंस जो है वो कर रहे होते हैं हम. सो ये थोड़ा सा वेग शुरू होती है और इवेंचुअली थोड़ा सा जाके बेहतर होती जाती है. पहले जब आप सोच के जवाब दे रहे होते हैं, तो आपका यह पॉज आ रहा होता है.
रिस्ट्रिक्टिंग मीडिया रिस्ट्रिक्ट्स बैक चैनल. अब जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मीडिया को कि हमने कौन सा मीडियम इस्तेमाल करना है मीडिया का फॉर कन्वर्जेशन, तो हम अपने बैक चैनल्स को एक्चुअली रिड्यूस कर रहे हैं. वीडियो जो है वो लॉस ऑफ बॉडी लैंग्वेज होता है अगर वो यहाँ तक आ रहा है, और अगर पूरे वाइड एंगल पे आपने पूरी बॉडी का दे दिया तो आई का गेज लॉस हो रहा है. सो कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज लॉस हो रही है. ऑडियो जो है वो लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है. ऑडियो में जाहिर बात है बॉडी लैंग्वेज भी ख़त्म हो गई, फेशियल एक्सप्रेशन भी ख़त्म हो गया. हाफ डुप्लेक्स जो है वो लूज मोस्ट वॉइस बैक चैनल रिस्पॉन्सेज. अब हाफ डुप्लेक्स कौन सा है, जो वॉकी टॉकी में यूज़ होता है, जिसमें आप जब तक ओवर नहीं कहते कन्वर्जेशन ख़त्म नहीं होती. सो वहाँ पे जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो आप उसको बैक चैनल रिस्पॉन्स जो है उसको आप लूज कर रहे होते हैं. और टेक्स्ट बेस में तो नथिंग लेफ्ट के बहुत सारे बैक चैनल्स जो हैं वो बस ख़त्म हो जाते हैं. टेक्स्ट में जवाब गया और टेक्स्ट में जवाब वापस आ गया. एसएमएस ने थोड़ा सा इस इंटरेक्शन को थोड़ा सा बेहतर कर दिया है. जब हम पहले टेक्स्ट की बात करते थे तो अब आपने ख़त लिखा, ख़त गया है, ख़त का जवाब आएगा तो आएगा, ठीक है ना. सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज़ नाउ अ लिटल बेटर, बट स्टिल यू लूज ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बैक चैनल यूज फॉर टर्न टेकिंग. अब बैक चैनल जो है बाज़ दफ़ा आपको कन्वर्जेशन में आपने कब दाखिल होना है, कब बोलना है, उसकी कन्वर्जेशन कब तक सुननी है, सो ये टर्न टेकिंग का भी एक तरह से रोल प्ले करता है. स्पीकर्स ऑफर द फ्लोर. अब स्पीकर जो है यूजुअली फ्लोर को ऑफर करता है कब, जब वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का गैप लेता है, वो अपनी बात करके चुप होता है तो वो एक गैप देके चांस देता है कि आप अब आप फ्लो ले लें और आप बोलना शुरू कर दें, या इसको हम यूं कहें कि आप माइक ले लें और अब आप बोलना शुरू कर दें. लिसनर जो है वो रिक्वेस्ट करता है फ्लोर को. वो कैसे फ्लोर को रिक्वेस्ट करता है कि वो फेशियल एक्सप्रेशन देता है पहले तो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो वो उसको समझेगा फेशियल एक्सप्रेशन से समझेगा कि अच्छा अब ये कुछ कहना चाह रहा है, फिर या आ की आवाज़ निकालेगा या फिंगर रेज करेगा. सो ये चीज़ें जो हैं वो लिसनर एक तरह से स्पीकर को गैप देने की ज़रूरत है ताकि दूसरा फ्लोर ले सके, और लिसनर को जो है वो मांगने की ज़रूरत है ताकि वो फ्लोर ले सके. ग्रंट्स लाइक उम्ज़ आह कैन बी यूज बाय द लिसनर टू क्लेम द फ्लोर. सो लिसनर को जो है वो अपना ये वाले ग्रंट्स जो हैं इनको यूज़ करना है ताकि वो फ्लोर ले सके, और सेम ग्रंट जो है वो स्पीकर भी ले सकता है ताकि वो होल्ड द फ्लोर कर सके, यानी वो अपनी बात पूरी की मुकम्मल कर सके. वो अगर कोई बीच में बोलने की कोशिश तो वो अपने तौर पर या फेशियल एक्सप्रेशन से या इवन पॉइंटिंग डायरेक्ट से भी वो कर सकता है कि नहीं जी हम अभी ठहर जाओ. बट ऑफन टू क्वाइट फॉर हाफ डुप्लेक्स चैनल्स. लेकिन जो हाफ डुप्लेक्स चैनल्स हैं उनमें ये टू क्वाइट हो जाता है. इसलिए टू क्वाइट हो जाता है कि वो ओवर बोलेगा, ओवर जब बोल लेगा तो वो जो अगला बंदा है वो उसने जो पूरी बात की है उसको वो समझेगा और फिर उसको रिप्लाई करेगा. ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं. लैग ऑफ वीडियो ऑडियो दैट कैन एक्सीड द टर्न टेकिंग गैप और समटाइम्स लीड्स टू अ मोनोलॉग, यानी एक ही बंदा बोला जा रहा है दूसरा बोल नहीं सकता. अब ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंसेज खासतौर पे अब पाकिस्तान के सिनेरियो में बहुत सारे लोग जो हैं वो आना नहीं चाहते. हम भी जब कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो वीडियो या स्काइप पे प्रेजेंट कर देंगे. सिमिलरली अगर हमें कहीं बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए वीज़ा ही टाइम पे नहीं मिल रहा होता, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रही है तो वो ये कहती है कि ठीक है आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया, आप इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बट योर प्रेजेंटेशन विल बी इधर अ वीडियो लेक्चर और अ ऑनलाइन इंटरेक्टिव लेक्चर. अब वो जो वीडियो लेक्चर है वो तो डेफिनेट मोनोलॉग है क्योंकि आपने पूरा अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, अब कोई सवाल और जवाब जो है वो आपसे नहीं हो रहा और बीच में तो कोई आपको रोक ही नहीं रहा. और सिमिलरली जब इंटरेक्टिव भी होते हैं तो उसमें लैग आ जाता है कभी कभी, तो वो भी एक पॉज का रीज़न बन जाता है.
आजकल अगर आप टीवी पे टॉक शोज देख रहे हैं तो वो एक कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उनके दरमियान भी वो कभी कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, कभी आवाज़ आगे पीछे हो रही होती है, कभी वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा होता है. सो दीज आर द लैग्स. अब बेसिक कन्वर्जेशनल स्ट्रक्चर को देख लें. सो एलिसन ने कहा डू यू फैंसी दैट फिल्म, ब्रायन द आह, तो अब ओह या आह की जो आवाज़ निकली उसने, उसमें कुछ 500 मिली सेकेंड का गैप आ गया. विद द ब्लैक कैट द ग्रीन विट व्हाट्स इट. सो वो अब सोच रहे हैं और वो अब कह रहा है कि अच्छा यार ये कोई ग्रीन टाइप की मूवी है. तो एलिसन कह रहा है या गो एट आह. अब वो टाइम उसने देखा, अब यहाँ पे भी गैप आ रहा है 22. तो ब्रायन ने अभी वो 8 या 9 या जो भी बताना चाह रहा था उसने कहा श्योर. अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट इज द अटरेंस, जो सबसे स्मॉलर यूनिट है वो अटरेंस है, चाहे वो जुमला बोल रहा है चाहे वो ग्रंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं. सो टर्न टेकिंग अटरेंस यूजली ऑल्टरनेट. सो आप ने उसने शुरू किया तभी भी उसने कुछ अटरेंस की और टर्न टेकिंग भी जो वो अटर कर रहा है जुमला ही सही श्योर कह दिया उसने. अभी 22 के बाद जब उसने श्योर कह दिया तो उसने पूरा टाइम अभी सुना नहीं है और उसने अपना टर्न लेके कह दिया कि बात खत्म है. अब सिंपल स्ट्रक्चर में जो है वो एडजेसेंसी पेयर भी होते हैं कि एडजेसेंट जो होते हैं पेयर्स उनको नेस्ट बनाया जा सकता है. सो ब्रायन कह रहा है डू यू वांट सम गेटो. गेटो जो है ये इस पेस्ट्री को कहा जाता है, चॉकलेट से भरी हुई. एलिसन इज इट वेरी फैटनिंग, तो वो कह रहा है, ब्रायन कह रहा है येस वेरी. एलिसन कह रहा है इन लॉट्स ऑफ चॉकलेट, वो कह रहा है मासेस ऑफ मासेस. अब यहाँ जुमले को देखने की ज़रूरत है. तो एलिसन को बहुत पसंद है, वो कहता है ओके आई विल हैव अ बिग स्लाइस देन, तो वो बड़ा स्लाइस लेगा. सो अब यहाँ पे जो नियरेस्ट पे वो बन रहा है कि ब्रायन जो है वो एक्स बोल रहा है, एलिसन जो है वो वाई का कर रहा है, ब्रायन जो है वो वाई के साथ बना रहा है. सो एलिसन जो है वो जी के साथ एडजेसेंट कर रहा है, बी जो है वो जी के साथ, ब्रायन जे के साथ कर रहा है, फिर एलिसन जो है वो एक्स कर रहा है. सो ये जो इनर पेयर्स होते हैं ये ऑफन फॉर क्लैरिफिकेशन होते हैं. तो अब ये पेयर बन गए और इससे जो है वो क्लैरिफाई चीज़ें हो जाती हैं. बट सिंपल पेयरिंग इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल और यूजफुल. सो जो ये सिंपल पेयरिंग है ये हर दफ़ा पॉसिबल भी नहीं होती और हर दफ़ा किसी यूज़ की हो ये भी नहीं होता, बट ये हो कर सकते हैं आप. अब अटरेंसेज आर हाईली एम्बिगुअस. क्यों एम्बिगुअस हैं? कि वो अगर कोई भी बात हो सकती है. वी यूज कॉन्टेक्स्ट टू डिसएम्बिगुएट. अब हमें कॉन्टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है ताकि उसमें से एम्बिगुएटी को खत्म कर सकें. अब ब्रायन अगर कहता है पॉइंट्स दैट पोस्ट इज लीनिंग अ बिट, वो जो खंबा है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड है, और एलिसन उसको कह रहा है दैट्स द वन यू पुट इन, वो कह रहा है कि यार ये तो तुमने ही डाला था. अब क्या बात हुई, क्या जवाब हुआ, ये क्लियर नहीं है. सो एम्बिग्यूस है. अब हम इसमें कॉन्टेक्स्ट का कैसे डाल सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है रेफरेंस टू द एनवायरमेंट है. ब्रायन्स दैट द थिंग पॉइंटेड टू डायक्टिक रेफरेंस. सो जब उसने दैट कहा तो उसने उस वाला खंबे को कहा कि वो ग्रीन वाला खंबा. और रेफरेंस टू द इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, ये अब एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हो गया क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है. इंटरनल कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ कि एलिसन कह रहे हैं दैट्स द लास्ट थिंग स्पोकन ऑफ. सो अब एलिसन कह रहे हैं दैट्स द वन यू पुट इन, सो ये तो तुमने ही खड़ा किया था. सो अब यहाँ पे जो दैट है वो भी वही वाला है, लेकिन अब वो उस खंबे की को पुट इन नहीं कर रहा, लेकिन वो खंबा बता रहा है कि ये वही खंबा है ना जो तुमने किया था. ऑफन कॉन्टेक्चुअल अटेंडेंसेज इन्वॉल्व इंडेक्सिकल दैट दिस ही शी इट, जो है ये इंडेक्सिकल है.
these may be used for internal or external context. So ये internal or external context के ऊपर हो सकते हैं. Also descriptive phrases may be used. और इसी तरह से आप descriptive phrases भी use कर सकते हैं. जैसे the corner post is leaning a bit, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो corner पे जो है खंबा वो lean कर रहा है थोड़ा सा. और इंटरनल हो सकता है द पोस्ट यू मेंशन्ड, तो वो कह रहा है कि ये वही वाली पोस्ट है जो तुमने मेंशन की थी. सो यहाँ पे आप आपका दैट ही दा वगैरह यूज करके आपने काम कर लिया. कॉमन ग्राउंड में रिजॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंड ऑन मीनिंग, कि आप कॉमन ग्राउंड में बात कर रहे हैं. पार्टिसिपेंट मस्ट शेयर मीनिंग, सो मस्ट हैव शेयर नॉलेज. सो आप पार्टिसिपेंट को अगर मीनिंग नहीं शेयर करेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी, और उसके लिए उनको शेयर्ड नॉलेज होनी चाहिए जिस पे वो बात करें. कन्वर्जेशन कॉन्स्टेंटली निगोशिएट्स मीनिंग, और जब कन्वर्जेशन हम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मीनिंग को निगोशिएट कर रहे होते हैं प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम ग्राउंडिंग कहते हैं कि ग्राउंडिंग कर रहे हैं. सो अगर हम ये कन्वर्जेशन देखें, एलिसन कह रहा है सो यू टर्न राइट बिसाइड द रिवर, और ब्रायन कह रहा है पास द होटल, एलिसन कह रहा है या. अब इस जगह पे अगर हम इसको देखें कि वो कह रहा है कि दैट्स एन अनयूजुअल, एक रिंग टोन चली, उसने कहा दैट्स एन अनयूजुअल रिंग टोन, व्हाट इज इट, तो वो जवाब दे रहा है कि अ टेलीफोन. अब वो रिंग टोन को इट को वो रिंग टोन कह रहा था, वो इट को टेलीफोन समझ के, मशीन को समझ के कह रहा है कि ये टेलीफोन है. सो ये जो है यहां पे शेयर मीनिंग नहीं चल रही, शेयर नॉलेज को लाने की जरूरत है. अब ये जो कन्वर्जेशन हो रही है वो उसको किसी मुकाम पे ले जाने की बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि यू टर्न राइट बिसाइड द रिवर, आप रिवर से के साथ टर्न लेंगे, और वो बता रहा है कि उससे आगे चला गया कि पास द होटल, वहां जो होटल है उसको क्रॉस करके, तो वो कह रहा है या. सो ईच यूटर्नस इज अज्यूम टू बी रेलिवेंट, फर्दर द करंट टॉपिक, एक तो वो रेलिवेंट हो सकती है जो आपके, जैसे ये ऊपर है कि इसने आगे बियॉन्ड द टॉपिक को आगे ले गई, फर्दर ले गई, और हेल्पफुल जब आपने पास द होटल कह दिया तो अब ये कॉम्प्रिहेंसिबल टू लिसनर हो गई, उसको समझ आ गई कि अच्छा ये टर्न तो लेना है लेकिन होटल को भी क्रॉस करना है, तो वो थोड़ा सा और भी मीनिंगफुल हो गया. फोकस एंड ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो क्या है, कॉन्टेक्स्ट रिजॉल्व रिलेटिव टू करंट डायलॉग्स, अब वो रिलेटिव और करंट डायलॉग्स के दरमियान जो है वो कर लेता है. एलिसन ओ लुक एट योर रोजेस, तो ब्रायन कह रहे हैं बट आई हैव ट्रबल विद ग्रीन फ्लाई, एलिसन दे आर सिंबल ऑफ इंग्लिश समर, तो ब्रायन कह रहे हैं ग्रीन फ्लाई, तो वो कह रहे हैं नो रोजेस सिली. सो ब्रायन ने बात की रोजेस के ऊपर, सॉरी एलिसन ने बात की रोजेस के ऊपर, ब्रायन ने शिफ्ट करने की कोशिश की ग्रीन फ्लाई के ऊपर, लेकिन एलिसन ने जो है उस शिफ्ट को मिस करके दोबारा जो है फोकस की रोजेस की तरफ ले आया, और इसको हमने ब्रेक डाउन कह दिया कि वो कन्वर्सेशन को उसने ट्विस्ट नहीं होने दिया, वापस अपने टॉपिक पे ले आया. यू कैन क्लासीफाई अटरेंसेज बाय द टास्क दे परफॉर्म इन द कन्वर्सेशन, सो हम जो अटरेंसेज हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. सब्सटेंशिएटिव होते हैं, इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली रेलिवेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वर्सेशन, जो कन्वर्सेशन हो रही है उसकी डेवलपमेंट को वो सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, उसको इन्हेंस कर रहे हैं. एनोटेटिव होते हैं, एनोटेटिव का मतलब ये है कि पॉइंट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन होते हैं या एलैबोरेशन होता है, कि वो कह रहा है कि नो रोजेस सिली, सो इट्स मीन्स कि वो बड़ा एनोटेटिव और उसको बता रहा है कि ये क्लैरिफाई कर रहा है कि नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ इंग्लिश समर की जो बात कर रहा हूँ उसके ये सिंबल है वो रोजेस है, सो ये इलैबोरेट कर रहा है. प्रोसीजरल में टेकिंग अबाउट द प्रोसेस, प्रोसीजर में टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेशन इटसेल्फ है. सो प्रोसीजरल में वो हम जो है प्रोसेस जो कोलैबोरेशन का प्रोसेस है उसको उस पर बात करते हैं कि कैसे चलेगा, सो ये उसको कहते हैं. अब
एलिसन इज गिविंग ब्रायन डायरेक्शन यूजिंग अ व्हाइट बोर्ड. अगर वो व्हाइट बोर्ड पे कोई डायरेक्शन दे रहा है तो वो बता रहा है यू गो अलॉन्ग दिस रोड अंटिल यू गेट टू द रिवर. सो आपने इस रोड पे जाना है जब तक आप रिवर पे ना चले जाएं. डू यू स्टॉप बिफोर द रिवर और आफ्टर यू क्रॉस इट. तो वो पूछ रहा है एलिसन उससे कि ब्रायन उससे पूछ रहा है कि पहले रुकना है या बाद में रुकना है. तो वो कह रहा है एलिसन पहले. अब वो ब्रायन उसको समझा रहा है कि यार फिर रिवर को जो है वो ब्लू में बनाओ और रोड को ब्लैक में बनाओ, क्योंकि जब लाइनें खींचेंगे तो दोनों एक जैसी बनेंगी. सो वहां पे आपको डिफरेंशिएट. फिर वो कह रहा है कि अच्छा सो यू टर्न राइट बिसाइड द रिवर. तो ये अब उसको वो ड्राइंग की तरफ ले गया, वो डायरेक्शन की तरफ वापस ले आया कि वो बता रहा है कि फिर आपने राइट पे टर्न करना है. तो वो कह रहा है पास द होटल. अब दोबारा कन्वर्जेशन वापस आ गई, ब्रेक डाउन होके उस पर फोकस की तरफ आ गई. यहाँ फोकस दोबारा होटल हो गया. फिर एलिसन कह रहा है यह इज देयर अनदर ब्लैक पेन, दिस वन इज रनिंग ड्राई. सो अब उसका फोकस जो है वो फिर ड्राइंग से ज्यादा पेन और पेन की वजह से ड्राइंग की तरफ हो गया, क्योंकि पेन ड्राई हो रहा था. सो कन्वर्जेशन जो है वो चल रही है डायरेक्शंस के लिए. कभी वो कलर पे चली जाती है, कभी वो पेन पे चली जाती है, और फिर उसको फोकस को दोबारा ब्रेक डाउन करके वापस लाना पड़ता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन. सो ये सब्सटेंशिएटिव हो गया, ये एनोटेटिव हो गया, ये भी एनोटेटिव हो गया, उसने डिक्लेयर कर दिया. ये प्रोसीजरल हो गया कि अब आप जब ड्राइंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. ये फिर सब्सटेंशिएटिव हो गया कि दोबारा उस तरफ आ गया. फिर ये भी सब्सटेंशिएटिव हो गया और ये फिर प्रोसीजरल हो गया, क्योंकि अब आप ड्रॉ करने के प्रोसीजर की तरफ चले गए हैं. सो अब इसमें जो नोट करने की चीज है कि जो फाइनल अटरेंसेस है वो प्रोसीजरल टेक्निकल हो गया, एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम हैज बिकम अपेरेंट टू द पार्टिसिपेंट्स. तो अब ये बात क्लियर हो रही है कि जो करने चाह रहे थे, डायरेक्शन जो देना चाह रहे थे, वो सब कुछ समझ आ चुका है, और एंड जो है वो प्रोसीजरल में हो गया कि पेन ड्राई है. ब्रेकडाउन्स जो हैं वो हैपन्स एट ऑल लेवल्स. टॉपिक्स पे भी होते हैं, इंडेक्चुअल पे भी होते हैं, जेस्चर पे भी होते हैं, हर चीज पे ब्रेकडाउन आते हैं. ब्रेकडाउन्स जो हैं वो बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, लेकिन रिटेंडेंसी मेक्स डिटेक्शन इजी. सो आप जो रिटेंडेंसी है उससे जो है वो आपको उसको डिटेक्ट करवाने में आसानी हो जा सकती है. जैसे पिछली कन्वर्जेशन जो पहले हो रही थी उसमें ब्रायन जो है वो इंटरप्रेटिंग कर सका कि दे आर द सिंबल ऑफ इंग्लिश समर. अब वो ये इंटरप्रेट ही नहीं कर सका कि दे आर कौन से हैं, ये ग्रीन फ्लाई की बात कर रही है या वो रोजेस की बात कर रहे. लेकिन जो एडवांटेज है वो पीपल आर वेरी गुड एट रिपेयर. पीपल जो बंदे ब्रायन ने फौरन ही उसको कह दिया कि नहीं, मैं जो है रोजेस की बात कर रहा हूं इसलिए. सो ये बड़ा क्विकली हो जाता है. अब जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है कि वो जो है वो रिडंडेंसी जो है वो उससे जो है लूज कर देता है, और इस वजह से उसको जो है उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो मोर सिवियर होता है, क्योंकि वो फोकस से हट जाएगा तो उसको वापस फोकस में लाने के लिए काफी टफ हो जाता है. सो अगर हम दोबारा ब्रेकडाउन को देखें, इजंट दैट ब्यूटिफुल, पॉइंट्स टू अ लार्जर मेल डियर या स्टैग कहते हैं, या हम जिसको बारासिंगा कहते हैं, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ ट्री. ब्रायन कह रहा है द सिमेट्री ऑफ द ब्रांचेस. अब वो ये समझ रहा है कि जो एलिसन कह रही है वो ट्री की तरफ कर रही है. तो हाउ सम पीपल कैन डिसलाइक देम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. अभी अब दोनों को अब ये नहीं पता कि एक दूसरे को वो समझ नहीं रहे, तो वो कह रहे यार लोग इसको कैसे डिसलाइक कर सकते हैं. अब उस पर फिर जब ब्रायन कह रहा है यस द पार्क रेंजर शुड शूट ऑल दोज डैम डियर बिफोर दे किल द ट्रीज फॉर गुड. सो वहां पे उस पे एलिसन से साइलेंस आ गई है, क्योंकि वो डेयर की ही बात कर रही थी और वो ये कह रहा है कि जो क्योंकि जो डेयर है या जो बारासिंगा है वो दरख्त को शाखों को तोड़ रहा है, तो वो कह रहा है कि उन सारे दरख्त जो बारासिंगा है या हिरन है उनको मार देना चाहिए पार्क रेंजर्स को, इससे पहले कि वो सारे ट्री खत्म कर दें. सो
अब वो उसके जो ब्राइन का रेफरेंस था सिमेट्रिकल ब्रांचेस का, वो उसका जो इम्पैक्ट था एलिसन के लिए, वो ये समझ रहा था कि वो बारह सिंगों की जो सींग हैं उनकी एंटलर्स की बात कर रहा है. तो उस वजह से वो कन्वर्जेशन आगे चलती गई, और जब मारने की बात आई तो खामोशी आ गई, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही ब्रेकडाउन था, दोनों का फोकस टोटली अलग था. अब स्पीच एक थ्योरी, अगर हम उस पर चले जाएं, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कन्वर्जेशनल एनालिसिस, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है कन्वर्जेशनल एनालिसिस की. अटेंडेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट दे डू, दे आर एक्ट्स. सो जो कहा जाता है वो एक्ट होते हैं. अगर उसने कहा कि आई एम हंग्री, सो इसका मतलब है, एक तो प्रोपोजिशनल मीनिंग है कि हंगर, वो प्रपोज कर रहा है कि उसको हंगर है, और इंटेंडेड अफेक्ट क्या है कि गेट मी सम फूड, और मुझे ये सब कुछ दे, खाना दे. क्लासिक एग्जांपल है आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ. अब जो क्रिश्चियनिटी के दरमियान जब शादी होती है तो जो पादरी होता है वो कहता है कि आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ, इसका मतलब ये है कि आप हस्बैंड और वाइफ हो गए, आपकी शादी कंप्लीट हो गई, आपका वो जो उनके यहाँ निकाह होता है वो निकाह हो गया हमारे यहाँ, जिस तरह निकाह कर दिया जाता है. सो ये एक स्पीच एक्ट थ्योरी है कि स्पीच कुछ कह रही है और उसका एक्ट आपको प्रपोज कर रहा है. बेसिक कन्वर्जेशनल एक्ट जो है वो इलोकेशनरी पॉइंट्स होते हैं. क्या कौन कौन से होते हैं, प्रोमिसज होती हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं, एसेशंस होते हैं, काउंटर्स होते हैं, जवाब होता है, रेनेगेस होते हैं, विड्रॉल्स होता है. सो ये सारे जो हैं उसके हैं. सो स्पीच एक्ट नीड नॉट बी स्पोकन. सो जो हर दफा स्पीच एक्ट में आपको बोलना जरूरी नहीं है. जो पिछली कॉन्वर्जेशन थे उसमें साइलेंस जो था वो एक्सेप्टेंस को भी ले लेते हैं, और बाज दफा वो अपने तौर पर कन्वर्जेशन का एंड बन जाता है, एक्ट बन जाता है कि ओके फिनिश. जेनरिक पैटर्न्स ऑफ एक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. जो जेनरिक पैटर्न्स होते हैं एक्ट के, वो इस तरह से कन्वर्जेशन फॉर एक्शन है, सीक्स टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. अब CFA अगर हम रखते हैं तो अब जैसे आई एम हंग्री जो है वो एक्शन मांग रहा है कि गेट मी अ फूड. कन्वर्जेशन फॉर क्लैरिफिकेशन होती है, यूजली एम्बेडेड इन CFA टू क्लैरिफाई द रिक्वेस्टेड एक्शन. अब वो जब हम कह रहे हैं कन्वर्जेशन फॉर क्लैरिफिकेशन है कि नो आई एम टॉकिंग अबाउट रोज सिली, सो आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये रोजेस की बात हो रही है, या आप जब आप ये कहते हैं कि ये चीज उसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्शन से रिलेटेड है. तो एक्शन में अब आप अगर वो ये नहीं समझ रहा आई एम हंग्री, तो आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं गेट मी सम फूड. सो ये जो आप कन्वर्जेशन है ये उस एक्शन को या उस पिछले जुमले को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये एक्शन मैं मांग रहा हूँ. कन्वर्जेशन फॉर पॉसिबिलिटीज, लुकिंग टूवर्ड्स फ्यूचर. अब वो उसके जवाब में कहे वी कैन गो एट होम एंड वी कैन डाइन हेयर. सो अब ये पॉसिबिलिटीज हैं कि घर जाके खाना है कि यहीं खाना है. कन्वर्जेशन फॉर ओरिएंटेशन ये है कि बिल्डिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. सो बात आप ये बात कर रहे हैं कि जैसे आप ये डिसाइड कर लें ओके वील हैव पिज्जा, तो ये तो डिसीजन हो गया कि पिज्जा क्लैरिफाई हो गया कि अब हम खाएंगे तो पिज्जा ही. अब खुद बखुद ही क्लियर हो जाएगा कि घर में पिज्जा है तो घर जाएं, वरना जहां पे पिज्जा है वहां जाके खा लें. सो ये क्लियर ओरिएंटेशन की है. सो कन्वर्जेशन फॉर एक्शन को अगर हम देखें, सो 1, 2, 3, 4, 5 जो है आ रिक्वेस्ट, जो बी है वो प्रॉमिस है, 3 जो है वो असर्ट है, और जो 3 to 4 जो है वो असर्ट है, और 4 to 5 जो है वो डिक्लेयर है. सो ये सिंपलेस्ट रूल है. एलिसन कह रहा हैव यू गॉट द मार्केट सर्वे ऑन चॉकलेट, अब ये रिक्वेस्ट है. ब्रायन कह रहा है श्योर, ये प्रॉमिस है. ब्रायन देयर यू आर, तो उसने एजर्ट कर दिया कि अच्छा. एलिसन कह रहा है थैंक्स, तो उसने या तो डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी ठीक है, या फिर वो डिक्लाइन भी कर सकता है, नो थैंक्स भी कर सकता है. अब अगर 1, 2, 6, 3 को देखें तो ये थोड़ा सा जो है आ रिक्वेस्ट है, फिर ये काउंटर है, काउंटर के बाद फिर वो काउंटर कर रहा है और फिर एक्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं. सो एलिसन हैव यू गॉट,
request, I've only got summary figures. तो उसने counter किया कि मेरे पास सिर्फ summary figures है. तो दूसरे ने कहा that will do. कि अच्छा ठीक है, ये चलेगा, summaries भी चलेंगी, पूरी पूरी survey नहीं चाहिए. So ये यहाँ पे counter आ गया. टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन जो है मोस्ट कॉमन मीडिया फॉर एसिंक्रोनस ग्रुपवेयर, जो क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं होता, जब आपकी कन्वर्सेशन होती है तो वो सिंक्रोनाइज होती है, एक दूसरे के फेस टू फेस में आप एक दूसरे को देख के कर रहे होते हैं, इसमें सिंक्रोनाइज होता है कि ठीक है आपने भेज दिया वहां से जवाब आएगा. तो एक्सपेक्टेशन है, वॉइस मेल्स हैं, आंसर फोन हैं, ये जो है आपके टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन का फॉर्म बन जाते हैं. फेमिलियर मीडियम या सिमिलर टू पेपर लेटर्स की तरह की चीज हो जाती है, बट इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में एक्ट एज अ स्पीच सब्स्टिट्यूट. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जैसे अभी हमने बात की एसएमएस में, वो स्पीच का एक तरह से सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं कि ओके डू दिस, तो वो एक तरह से स्पीच हो गए और वो बंदा उसी वक्त जाके वो चीज कर लेता है कि अच्छा मुझे ये चीज करनी है. सो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट ने थोड़ा सा चेंज ले आया है. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, डायरेक्टेड मैसेजेस नो स्ट्रक्चर. अब वो डिस्क्रीट हैं, डायरेक्टेड मैसेज हैं, आपको स्ट्रक्चर नहीं है उसमें. लीनियर हैं, मैसेज एडेड इन टेम्पोरल ऑर्डर. अब वो जब आपने कहा कि गेट मी चेक इज देयर मिल्क इन द फ्रिज, तो अब ये आपका चेक मिल्क इन फ्रिज, तो अब इसमें स्ट्रक्चर नहीं है. स्ट्रक्चर ये होता कि भाई चेक इज देयर मिल्क इन द फ्रिज और नॉट, सो वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता. तो आपने एक तरह से डायरेक्ट कर दिया कि यार फ्रिज खोलो और चेक करो मिल्क है या नहीं है. अब वो उसके जवाब अगर उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्यों, तो फिर अब जब उसमें आप ऐड कर रहे हैं टेक्स्ट को टाइम के साथ, अच्छा तुम ये कर लो, इसको देख लो, कहीं ये तो नहीं है. सो वो जो चीज़ें आप ऐड करते चले जाएंगे कि यू गो ओपन द फ्रिज सी एट द बॉटम आर देयर मिल्क और वेजिटेबल्स देयर, वो वेजिटेबल का खाना खोले और फिर उसमें से देखे कि लेट्स सपोज टमाटर हैं कि नहीं है, तो अब आपने टेम्पोरल उसमें कर दिया. और नॉन लीनियर में आप हाइपर टेक्स्ट लिंक भेज देते हैं कि ओके चेक दिस साइट, चेक दिस ऑन फेसबुक, तो अब उसको फेसबुक पे जाना है और उसने उस जगह पे क्लिक करना है. स्पेशल ये है कि टू डायमेंशनल अरेंजमेंट्स हो जाते हैं कि हम उसको रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट करके और उसको भेज देते हैं टेक्स्ट को. जो इसमें मोस्ट ऑब्वियस लॉस होता है वो नो फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज. ऑब्वियसली कोई फेशियल एक्सप्रेशन और कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं होती. वीक बैक चैनल्स होते हैं, आपके पास कोई चांस बड़े वीक से चांस होता है जिससे आपको वापस ला सके, क्योंकि जेस्चर्स वगैरह नहीं है. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कन्वे, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कन्वे करना. अफेक्टिव स्टेट जो है वो हैप्पी सैड एंग्री होते हैं, ह्यूमरस होते हैं. इलोक्यूशनरी फोर्स जो होती है वो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल होती है. पार्टिसिपेंट जो है वो कंपनसेट करते हैं बाय फ्लेमिंग एंड स्माइलीज. सो स्माइलीज वगैरह ने अब थोड़ा सा लोगों को उसमें और कंपनसेशन डाल दिया कि क्या कह रहे हैं. ग्राउंडिंग कंस्ट्रेंट इसमें क्या जाती हैं कि एस्टैब्लिशिंग कॉमन ग्राउंड डिपेंड्स ऑन ग्राउंडिंग कंस्ट्रेंट्स. कैसे को टेम्पोरलिटी, इंस्टेंट फीडबैक फीड थ्रू, अगर उसमें टेम्पोरल नहीं है और आप इंस्टेंट फीड थ्रू कर रहे हैं तो ये ग्राउंडिंग एक चीज हो जाती है. साइमल्टेनियसली में ये होता है कि स्पीकिंग टुगेदर, अगर एक साथ बोलना शुरू कर दें तो अब उसमें भी ग्राउंड करना नहीं होता, जो कि हमारे टॉक शोज में बेनता होता है, वहाँ हम ग्राउंड नहीं कर सकते. वो दोनों तीनों एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ समझ में नहीं आता. और सीक्वेंस जो है वो भी कंस्ट्रेंट हो जाती है कि अटरेंसेस की अगर ऑर्डर में आ रहा है तो अब आप वो जब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ग्राउंड नहीं कर सकते और आप वापस उसको बैक चैनल यूज करके और ट्रैक पे नहीं ला सकते. दीज कंस्ट्रेंट्स आर ऑफन वीकर इन टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन देन इन फेस टू फेस कन्वर्जेशन. जो ये जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं ये जाहिर बात है टेक्स्ट में थोड़ी वीकर हो जाती हैं, क्योंकि लॉस ऑफ सीक्वेंस इन लीनियर टेक्स्ट जो है वो एक कम होता है. नेटवर्क डिलेज और कोर्स ग्रेनुलरिटी जो है वो ओवरलैप कर देती है. अगर नेटवर्क में डिले आ रहा है या आप किसी वजह से टेक्स्ट को नहीं भेज रहे तो ओवरलैपिंग हो जाती है, आप ज़्यादा उसको दोबारा दोबारा मैसेज भेज रहे होते हैं.
ग्राउंडिंग कंस्ट्रेंट जो हैं, अगर हम उसकी एग्जांपल लेकर चलें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बताया हुआ है कि बिथन ने कहा हाउ मेनी शुड बी इन द ग्रुप, रोहना करे मे बी दिस कुड बी वन ऑफ द फोर स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, प्लीज क्लैरिफाई व्हाट यू मीन, आई एग्री, हैंग ऑन बिथन, व्हाट डिड यू मीन। सो अब ये जो कंस्ट्रेंट चल रही थी बातचीत में फोन पे या टेक्स्ट पे, तो ये कैसे करेंगे। अब मैसेज पेयर्स 1 और 2 जो है एंड 3 और 4 कंपोज साइमल्टेनियसली। सो ये जो 1 और 2 थे वो एक साथ ही लिखे गए, अब वो एक साथ ही भेज दिए गए। लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, सो 2, 1, 3, 4, 5, 6 जो है वो रोवेना का जो है वो गया इस सीक्वेंस में है कि 2 गया पहले, 1 बाद में, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर 6 आ गया। सो अगर बेथन के पास जो वो जो जा रहा है, वो रोवेना जो भेज रही है वो 2, 1, 3, 4, 5, 6 भेज रही है और उसके पास इस ऑर्डर में हो रहा है और बेथन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आ रहे हैं। सो ये एग्जांपल बता रही है कि ब्रेक डाउन ऑफ टर्न टेकिंग रिजल्ट्स ऑफ पुअर बैक चैनल्स, क्योंकि बैक चैनल्स पुअर थे कम्युनिकेशन के। सो टर्न टेकिंग जो है वो उतनी सीरियसली नहीं हुई, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं किया। सो मेंटेनिंग कॉन्टेक्स्ट, अब हमने कॉन्टेक्स्ट पे बेनतहा बात की है और हमने ये बताया है कि हर चीज में कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिसएम्बिगुएशन करता है, क्योंकि वो फिर जो एम्बिगुअस बातें हो रही होती हैं उसको फोकस पे ले आता है। टेक्स्ट लूजेस एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, हिंस डिस्क्सिस डायक्टिक हो जाता है टेक्स्ट में जो है वो, जो क्योंकि आप फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते, एक्शन नहीं दिखा सकते, सो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। लिंकिंग टू शेयर ऑब्जेक्ट जो है टेक्स्ट में हेल्प कर सकते हैं। एलिसन कह रहा है ब्राइन्स गॉट सम लवली रोजेस, ब्राइन आई एम अफ्रेड दे आर कवर्ड इन ग्रीन फ्लाई, वो बता रहा है कि ग्रीन फ्लाई में कवर्ड हैं। फिर भी क्लेरे से कह रहा है कि आई हैव सीन देम दे आर ब्यूटिफुल, उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि वो फिर भी ब्यूटिफुल हैं। अब यहां पे जो बोथ 2 और 3 आर रिस्पॉन्सेज टू 1 बट द ट्रांसक्रिप्ट सजेस्ट ग्रीन फ्लाई आर ब्यूटिफुल, लेकिन इस ट्रांसक्रिप्ट से ये लग रहा है कि ग्रीन फ्लाई, क्योंकि उसने कहा आई एम अफ्रेड दे आर कवर्ड इन ग्रीन फ्लाई और थर्ड ये कह रहा है कि आई हैव सीन देम दे आर ब्यूटिफुल, तो ये लिया जा रहा है कि ग्रीन फ्लाई जो है क्या कहते हैं वो ब्यूटिफुल है। लेकिन हाइपर टेक्स्ट कैन मेंटेन पैरेलल कन्वर्जेशन, अगर हाइपर टेक्स्ट में हो और रोजेस को क्लिक किया हुआ हो, रोजेस की तस्वीर हो, तो फिर ये बात हो जाएगी कि हाँ जी रोजेस की ही बात हो रही है, या अगर वो फ्लेमिंग में उसके रोज भेजा हुआ है साथ में तो ये पता चल जाएगा कि ये रोज की बात हो रही है। सो एलिसन ने कहा गॉट सम लवली रोजेस, ब्राइन कह रहे हैं आई एम अफ्रेड दे आर कवर्ड इन क्या कहते हैं ग्रीन फ्लाई, बट क्लेरिस कह रहे हैव यू ट्राइड कंपेनियन प्लांट। अब क्लेरिस ही अगर यहीं पे इसके नीचे आ जाए कि आई हैव सीन देम एंड दे आर ब्यूटिफुल, तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वो इधर आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा आई हैव सीन देम दे आर ब्यूटिफुल, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और फोर्थ वाला जो है वो इसको और क्लियर कर रहा है कि हैव यू ट्राइड कंपेनियन प्लांटिंग, तो उसको बता रहा है कि ग्रीन फ्लाई से बचने के लिए कंपेनियन प्लांटिंग का तरीकेकार यूज होता है। पेस ऑफ पेस एंड ग्रेनुलरिटी में पेस ऑफ कन्वर्जेशन जो है द रेट ऑफ टर्न टेकिंग होता है, फर्स्ट फेस टू फेस में जाहिर बात है अब एवर आफ्टर एवरी फ्यू सेकंड हो जाता है, टेलीफोन में तकरीबन हाफ अ मिनट लग जाता है, ईमेल्स में ये हाउ आवर्स और डेज में चला जाता है। फेस टू फेस कन्वर्जेशन इज हाईली इंटरेक्टिव, जाहिर बात है उसमें इंटरेक्शन ज्यादा तेज होती है। इफ इनिशियल अटेंस इज वेग फीडबैक गिव्स क्यूज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, अगर इनिशियल जो बात की गई है वो नहीं समझ में आ रही तो फीडबैक देके वो फौरन ही कह सकता है कि मुझे नहीं समझ में आया और ठीक हो सकता है। लोअर पेस होता है इसमें, लेस फीडबैक होता है, लेस इंटरेक्टिव होता है टेलीफोन और ईमेल। सो लोअर पेस, लेस फीडबैक, लेस इंटरेक्टिव, टेलीफोन और ईमेल जो है ये होते हैं। कोपिंग स्ट्रेटजीज अटेम्प्ट टू इंक्रीज ग्रेनुलरिटी, आप कोपिंग स्ट्रेटजीज से जो है ग्रेनुलरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ईगरनेस लुकिंग अहेड इन द कन्वर्सेशन गेम, सो ईगरनेस जो है वो
उसको आप आगे लेके चले जाते हैं. ब्रायन कहता है जैसे लाइक कप ऑफ टी, और जवाब से पहले था मिल्क और लेमन. तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि थोड़ा सा उसको तेज करने की कोशिश कर रहा है. अब मल्टीप्लेक्सिंग सेवरल टॉपिक्स इन वन अटेंडेंस में, जैसे वो एलिसन जवाब दे रही है नो थैंक्स आई लव योर रोजेस. अब वो नो थैंक्स कप ऑफ टी को कह रही है और साथ में वो रोजेस को भी ऐड कर रही है. सो कन्वर्जेशन गेम को अगर हम देखें तो ये एक लाइक गेम होती है. लीनियर टेक्स्ट फॉलोज वन पाथ थ्रू इट. अगर लीनियर टेक्स्ट में करें तो हमारा एक ही पाथ जा रहा होता है. अब पार्टिसिपेंट जो है वो पाथ जो है वो चूज करते हैं बाय देयर अटरेंसेस. और हाइपर टेक्स्ट जो है वो ये बता सकता है कि कौन से पात के साथ कौन किस से किस कॉन्टेक्स्ट में कौन किस पात से पे बात कर रहा है. सो वो हाइपर टेक्स्ट के जरिए हो सकती है. ग्रुप डायनेमिक्स क्या है कि वर्क ग्रुप्स कॉन्स्टेंटली चेंज इन स्ट्रक्चर इन साइज. तो वर्क ग्रुप जो है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर भी उनका चेंज होता रहता है, साइज भी कम ज्यादा होता रहता है. सेवरल ग्रुप वेयर सिस्टम्स हैव एक्सप्लिसिट रोल्स. जो ग्रुप वेयर सिस्टम्स हैं उनके एक्सप्लिसिट रोल्स हैं, बट रोल्स डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम. और जो रोल डिपेंड करता है वो कॉन्टेक्स्ट और टाइम पर डिपेंड करता है. एम डी डाउन अ माइन इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फोरमैन. सो अगर एक एग्जाम्पल लेके चलें, वो जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो माइन में बहुत ज्यादा जो है वो फोरमैन के अंडर की अथॉरिटी के अंदर आ जाता है, क्योंकि माइन को कैसे चलाना है वो फोरमैन डिसाइड कर रहा होता है. इसी तरह जब इंटरनेशनल ब्रीफिंग हो रही होती है तो जनरल जो है वो बैठ के सुन रहा होता है, और जो ब्रीफ कर रहा होता है वो कोई एक प्राइवेट या जो एक जूनियर ऑफिसर कर रहा होता है. तो वो ब्रीफिंग में जो है वो इंटरनल ब्रीफिंग में एट टाइम्स जो है वो जनरल जो है वो कम अंडर द जूनियर ऑफिसर. लेकिन इस वजह से इट डजेंट नॉट मे रिफ्लेक्ट ड्यूटीज सब्जेक्ट ऑफ बायोग्राफी ऑथर बट नाउ राइटर. सो अगर हम देखें कि बायोग्राफी में क्या होता है कि ऑथर भी होता है और एक राइटर भी होता है. सो ये जो है वो ड्यूटी समझ में नहीं आ रही होती. बायोग्राफी ऑफ इमरान खान लिखी जमा किसी ने की है, ऑथर कोई और है, राइटर कोई और है. सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये ऑटोबायोग्राफी जो है का मतलब तो ये होता है कि बंदे की अपनी बायोग्राफी है, लेकिन वो कभी भी खुद नहीं लिख सकता क्योंकि वो एक अच्छा लिखने वाला नहीं है. वो एक अच्छा ऑथर तो उसको होना चाहिए, लेकिन राइटर कोई और है. ग्रुप डायनेमिक्स में सोशल स्ट्रक्चर में चेंज डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक के आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है कि ड्राइव हो जाए खुद ब खुद ही. एंड ग्रुप में फ्रेगमेंट इंटू सब ग्रुप्स, और इसी तरह ग्रुप जो है वो सब ग्रुप में कन्वर्ट हो सकते हैं. ग्रुप वेयर सिस्टम्स रियली अचीव दिस फ्लेक्सिबिलिटी. तो जो ग्रुप वेयर सिस्टम्स होते हैं वो उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. अगर वो उसमें ये है कि सारों को की राय लेके जमा करना है, तो फिर उसने सारों की राय लेके जमा करना है. वो फिर ये नहीं हो सकता कि वो डिसाइड कर ले कि अच्छा एक दो राय मिलने से ही कि मेजॉरिटी इस तरफ जा रही है और फौरन चेंज कर ले. सिमिलरली वो ग्रुप को सब ग्रुप में चेंज नहीं कर सकते. ग्रुप्स ऑल्सो चेंज इन कॉम्पोजिशन. सो ग्रुप में आप कॉम्पोजिशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगर आपने ज़्यादा कर दिया है तो नए मेंबर को जल्दी से कैचअप करना होता है ताकि वो तेज़ी से ग्रुप के साथ शामिल हो जाए. उसको शुरू से लेके ग्रुप अगर हर कोई पढ़ाना शुरू कर देगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिजिकल इन्वायरमेंट में फेस टू फेस वर्किंग रेडिकली अफेक्टेड बाई ले आउट ऑफ वर्क स्पेस. फेस टू फेस वर्किंग जो है वो काफ़ी अफेक्ट करती है वर्क स्पेस के ले आउट के ऊपर. जैसे मीटिंग रूम्स है, रिसेस टर्मिनल्स, रिड्यूस विजुअल इम्पैक्ट, इनवर्ड फेसिंग टू इनकरेज और आई कॉन्टैक्ट. इनवर्ड फेसिंग होती है ताकि एक दूसरे को बात कर सकें. डिफरेंट सोशल पावर पोजीशंस होती हैं, और फिर डिफरेंट सोशल पावर पोजीशंस होती हैं. अगर हम ये इस वाली फिगर्स को ही देख लें तो अब यहाँ पे ये जो है इनवर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, और अगर टेबल के इस जगह पे हेड पे कोई हेड बैठा हुआ है तो वो उसकी सोशल पावर पोजिशन को भी बता रहा है, और ये बता रहा है कि वो किस ग्रुप
आपकी डिस्कशन को कहीं पे भी रोक सकता है. ट्रेडिशनल कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑल इन द हेड. सो जो ट्रेडिशनल कॉग्निटिव सोसाइटी की बात हो रही है, वो साइकोलॉजी की बात हो रही है, वो सारी दिमाग के अंदर होती है. फिजिकल एनवायरनमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन सजेस्ट वी लुक टू द वर्ल्ड. थिंकिंग टेक्स प्लेस इन इंटरेक्शन विद अदर पीपल एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट. सो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन है दिमाग के अंदर, हम उसमें ये होता है कि सोच भी रहे होते हैं और लोगों के साथ और कामों के साथ भी हम काम भी कर रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, लोगों से भी बात कर रहे होते हैं, अपनी सोच भी चल रहे होते हैं. सो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं. इम्प्लीकेशंस फॉर ग्रुप वर्क ये होता है कि हमें सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिएटिंग रिप्रेजेंटेशंस है. हमें ये बताना चाहिए कि ग्रुप में मीडिएट कौन कराएगा अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई कहीं पे काउंटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक दूसरे को काउंटर किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई मीडिएट करके रिजॉल्व करेगा प्रॉब्लम को. ग्रुप नॉलेज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स. सो ग्रुप नॉलेज जो हमने पहले भी बात की हुई है कि समटाइम्स जो इस तरह से भी चलता है कि इस ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स के, हम पार्ट्स के सम को जमा करें तो शायद वो उतनी नॉलेज ना बने जितनी ग्रुप नॉलेज बन सकती है. डिज़ाइन फोकसेस ऑन एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, और जो डिज़ाइन होता है वो फोकस करता है एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन पे. अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें कि हमने बात की फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. पीपल मेंटेन प्रिसाइज डिस्टेंस, उनको लोगों को अपने जो डिस्टेंस है उन वो अपने कन्वर्जेशन के दरमियान जो है वो अपना उनको पता होता है कि कितना डिस्टेंस रखना है, कितने दूर रहना है. जो कि जब हम वीडियो लिंक बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो डिस्टेंस नहीं रहता जब हम फिजिकल फेस टू फेस कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं. और एट अ हाई लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्जेशन कैन बी सीन एज अ सीक्वेंस ऑफ टर्न्स यूजली ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स. और अगर हम इसको हाई लेवल पर देखें तो जो हमारा कन्वर्जेशन होती है फेस टू फेस हो या कोई सी भी कन्वर्जेशन हो, उसमें एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम टर्न ले रहे हैं, हम एक दूसरे को मौका दे रहे हैं बातचीत करने का. और ये हम किस तरीके से कर रहे हैं कि ये जब हम बातचीत के दरमियान जब हमारी पॉज आते हैं फेस टू फेस में, जब हमारे पॉज वगैरह आते हैं या हम जो अपने जेस्चर्स से कर सकते हैं या हम अपने साउंड अटरेंस करके निकाल के भी अपना टर्न ले सकते हैं. सो हम एक्चुअली जो कन्वर्जेशन है वो ऑल्टरनेटिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट्स जब तक नहीं होती वो कन्वर्जेशन नहीं कहलाती. अगर वो एक तरफ से कोई बोल रहा है तो वो मोनोलॉग तो कहलाती है कि तकरीर कर दी और कोई जवाब नहीं आया, इसी तरह से सारी बातें कर दी और आपके पास उस एंड में कहीं जाके जवाब आप सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो वो कन्वर्जेशन उस तरह से नहीं होती. जब आपका सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है कन्वर्जेशन तब से स्टार्ट होती है, क्योंकि फिर आप एक दूसरे को टर्न दे रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. फिर जो आप कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं वो चाहे फेस टू फेस हो, चाहे टेक्स्ट बेस हो, चाहे वो वीडियो लिंक पे हो, किसी तरीके से भी कन्वर्जेशन हो, ये बड़े चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्जेशन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगी, एक दूसरे से बिल्कुल फर्क बात कर रहे होंगे, फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन. सो हमें बैक चैनल्स के जरिए जो है वो फोकस को एक उस पे वापस लाना होता है और हमें जो है ब्रेक डाउन करना होता है ताकि कन्वर्जेशन जो है उसको वापस चैनलाइज किया जा सके, उसको वापस जो है और फिर हम वहाँ पे सब्सटेंशिएटिव अफर्मेटिव ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, प्रोसीजरल डाल देते हैं ताकि जो कन्वर्जेशन है वो राइट ऑन द कॉन्टेक्स्ट हो जाए और फिर उसी सिलसिले में रहे. सो कॉन्टेक्स्ट का जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है एम्बिगुअस कन्वर्जेशन को डिसएम्बिगुएट करने में, और ख़ासतौर पे कॉन्टेक्स्ट उस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम डायक्टिक रेफरेंस इशारे भी यूज़ करने शुरू कर देते हैं, वो देखो वो क्या हो रहा है. तो जब आपने इशारा कर दिया तो एक्चुअली आपने थोड़ा सा उस तरफ फोकस कर दिया. इशारों में भी बता सकते हैं, या जैसे पीछे कन्वर्जेशन में हमने बताया कि रोज़ इज़ सिली, तो इसका मतलब है कि रोज़ की बात हो रही है,
फ्लाई की बात नहीं हो रही. सो ये एस्पेक्ट है. फिर हमने टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन में ये बताया कि वो जो है लूज कर जाता है, लो लेवल फीडबैक और फेस टू फेस कन्वर्जेशन. जो लो लेवल फीडबैक है फेस टू फेस कन्वर्जेशन का, वो जैसे हमने कहा कि आई गेस से ही पता चल जाता है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा. अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा और आप बातचीत किए जा रहे हैं. अब टेक्स्ट में तो ये प्रॉब्लम है, एसएमएस में अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अगर उसका जवाब नहीं आ रहा. एक और भी प्रॉब्लम होती है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया है ड्यू टू लिंक डाउन है, उधर से कोई और मसला हो गया है, तो अब आप ये भी ले रहे हैं. एक और प्रॉब्लम होती है कि रूडनेस ले रहे हैं कि यार मैंने उसको एसएमएस की, वो जवाब ही नहीं दे रहा, ईमेल की जवाब नहीं दे रहा. So these kind of things are also very important. Group dynamics make it very difficult to predict how a particular group will behave. अब जो group dynamics हैं, ये भी एक बड़े important role play करते हैं कि किस उसमें जो है वो particular group जो है वो किस तरीके से behave करेगा. क्योंकि group वहां पे मीडिएशन के लिए भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उसको मीडिएट करने वाला मौजूद हो. वहां हमें ये भी रखना होता है कि जो क्या कहते हैं किसी की अथॉरिटी भी देनी होती है ग्रुप में, कि ताकि वो अगर मीडिएशन नहीं हो रही, काउंटर्स हुए जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो एक डिसाइसिव फैक्टर भी कर सके. सो ये भी इम्पॉर्टेंट होती है. विद दिस वी कम टू एन एंड टू आवर लेक्चर टुडे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.